आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईपीएल सट्टेबाजी मामले में अरबाज खान शनिवार को ठाणे पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के सामने पेश हुए। पूछताछ के दौरान उन्होंने पिछले 5 साल से सट्टेबाजी में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। ये भी बताया कि वे पिछले कुछ सालों में सट्टेबाजी में करीब 3 करोड़ रुपए हार चुके हैं। उन्होंने बुकी को पैसे देने से भी मना कर दिया था। ऐसे में अरबाज को धमकियां भी मिली। पैसों की वसूली के लिए मलाइका के पास भी फोन आने लगे थे। वैसे सट्टेबाजी के साथ ही कुछ और भी कारण थे जिन्होंने अरबाज को बर्बाद कर दिया। सट्टे की लत ने अरबाज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पैसे बनाने के चक्कर में वो पैसे हारते चले गए। इस बात को लेकर सलमान ने भी काफी नाराजगी जताई थी। अरबाज ने अपने बयान में बताया कि दिवाली वाले दिन सलमान उन पर हाथ उठाने वाले थे, तभी उनकी माँ आ गई थी। सर पर सलमान का हाथ न रहने की वजह से भी अरबाज के बुरे दिन शुरू हुए।